नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्राम पंचायत सूरजपुर में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी से जूझते हुए ग्रहवासी विधायक राहुल सिंह लोधी से लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती तक को दिए आवेदन, फिर भी पानी से समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से सरपंच व गांव के ग्रामवासी पानी को लेकर परेशानी और पानी के लिए जूझ रहे हैं। बात होती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इसका टीकमगढ़ जिले का। आप पानी से बहुत बुरा हाल है। हम ग्राम पंचायत बल्देवगढ़ ब्लॉक के सूरजपुर ग्राम पंचायत में आए हैं। जिस प्रकार से यहाँ के लोग ग्रामवासी पानी के लिए तरस रहे हैं, देख सकते हैं। खासतौर पर ये बर्तनों की तादाद लगी है लोगों के यहाँ। ना यहाँ पानी है और ना ही परेशानी है। हर जगह शिकायत भी की यहाँ के MLA राहुल सिंह लोधी, पूर्व विधायक चंदा रानी और इसके बाद सांसद जी बीएन कुमार खटीक को। अब देखना होगा क्या परेशानी हो, कितने दूर दूर से पानी भरने जाते हैं आप लोग। कितने पानी भरने जाती हो? 5 किलोमीटर दूर से पानी भरने के लिए जाते हैं बालक छोड़ कर। बालक छोड़ आप लोगों को क्या परेशानी, कितने दूर से पानी भरने जाती हैं आप लोग, बोलो। हम लोग भी उतनी दूर से जाते हैं, वो तो सारा मोहल्ला है तो उतनी दूर से जाते हैं भरने के लिए। दोपहर में जाते हैं, कोई सुबह शाम पानी नहीं मिलता है तो इसलिए लेट भी हो जाते हैं। कितने कितने मतलब वहाँ पर बैठी रहती हूँ, कितने घंटे तक बैठी रहती हूँ? एक दो घंटा लो। अपने कहाँ शिकायत की इसकी, कहाँ कहाँ बताया? सब जगह शिकायत करी, ब्लॉक में सब जगह, तहसील में, कोई सुनाई नहीं कहता है। वह मतलब है हम क्या परेशानी होती है, क्यों नहीं आएगा मुद्दा से? कब से परेशानी, कितने सालों से? 2-3 साल से हो गए, जब से पानी की समस्या है 2-3 साल हो गए, जब से पानी नहीं मिल रहा है। क्या है, आपने कहीं इसकी मतलब कलेक्टर साहब से बोला, सेक्रेटरी से कहीं बोला? सब जगह बोला है। तो क्या बोलते वो लोग? कहते व्यवस्था करवा देंगे, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। मतलब यहाँ पानी के टैंकर भी नहीं आते हैं? टैंकर नहीं आते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप लोग कितने दूर से आती है पानी वगैरह भरने? 5 किलोमीटर दूर से। क्या 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 परेशानी होती है रास्ते में आने जाने में? और यहाँ पे कुछ आप लोग भी खड़े, आप भी यहाँ आ जाइए। मतलब क्या क्या कितने सालों से परेशानी है, आ जाइए। कितने सालों से परेशानी इन लोगों को सब जगह शिकायत भी कर ली है, कोई सुनाती नहीं है। लेकिन बोटन के समय पर सब लोग आ जाते हैं, लेकिन कोई सुनते नहीं है। धूप में भाग चले जाते हैं, बाल बच्चे छोड़ के ले जाते हैं और लेके और 3-3 घंटा बैठे रहने पानी के लिए। देख सकते हैं खास तौर पर बड़ा मुद्दा है सूरजपुर ग्राम पंचायत का मामला है। जिस प्रकार से यहाँ पानी से जूझता वहाँ पर सरपंच भी यहाँ के, अभी आज के सरपंच आप भी इधर आइए। क्या आपने किया इन गांव वालों का, क्यों नहीं मतलब इनका निदान हो रहा पानी से? क्यों ग्राम पंचायत के लोग जूझ रहे हैं पानी से? कहाँ तक आपने शिकायत की, क्यों नहीं आपके ग्राम पंचायत? जनपद लेवल पर शिकायत की, जिला लेवल पर शिकायत की, PHC विभाग में शिकायत की, कलेक्टर के पास शिकायत की, कोई नहीं सुनता है। तो क्या आपने विधायक से सांसद जी से क्या मांग की पानी की, नल की, पानी की टंकी की? सांसद जी भी यहाँ थे, पानी की टंकी की 1 साल पूर्व टाइम पे कह गई थी। कौन है सांसद जी आपके यहाँ के? बीएन कुमार खटीक। तो क्या बोलते हैं आपने जब आवेदन दिया? हो जाएगा। कब हो जाएगा, मतलब ना जाने कब हो जाएगा, 3 साल बोलते हैं हो जाएगा। इससे पहले भी आपने विधायक जी को भी दिया था आवेदन? विधायक जी को चंदा रानी सुरेंद्र सिंह 2 साल पहले पूर्व टाइम पे कह गई थी जी। राहुल सिंह ने कहा हो जाएगा व्यवस्था, राहुल सिंह ने भी नहीं किया अभी तक, किसी ने किया ना, सुरेंद्र सिंह गौर ने किया ना, का नाम है राहुल सिंह। अब सास के कर्मचारी कहाँ तक आवेदन देने गए? सास के कलेक्ट्रेट तक, कलेक्ट्रेट तक दिया आवेदन, कोई मांग नहीं सुन नहीं रहे, कोई नहीं सुनने वाला। देख सकते हैं खास तौर पर सरपंच है मतलब मक्खनलाल विश्वकर्मा जी, इनसे भी चर्चा हुई है और काफी यहाँ मुद्दे का विषय है पानी के। जिस प्रकार बुंदेलखंड जाना जाता है पानी के लिए, भाई ये परेशानी है, बर्तन यहाँ खाली पड़े हैं, पीने के लिए पानी मिल रहा है गाँव के लिए। छोटे छोटे बच्चे बहन बेटियां गांव में जाती 5-5 किलोमीटर दूर पानी भरने, नहीं होता तो दूसरों के खेत कुएं से भरने जाती है। बड़ा मुद्दा है सूरजपुर ग्राम पंचायत का मामला। नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, सूरजपुर से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। खबर समय जगत के लिए बलदेवगढ़ से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।